सरकार के नुमाइंदों के जरिए स्कूलों में छात्र छात्राओं को कीड़े मारने की गोली खिलाने से अलग अलग स्कूलों में 2 दर्जन से ज़्यादा छात्रों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें मजबूरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बिस्तर पर पड़े ये छात्र छात्राएँ, जिन्हें सरकार के नुमाइंदों ने अल्बिडाउस यानी पेट में कीड़े मारने की दवा क्या दी, सभी की दवा खाते ही हालत बिगड़ने लगी। उल्टी दस्त के बाद आनन फानन में सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें से कक्षा 3 के छात्र कृष्णा के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि स्कूल में कीड़े मारने की दवा के बाद 19 बच्चों की हालत बिगड़ी है, जिसमें एक बच्चे की मौत होने के बाद भी कबूली है। वहीं हालात बिगड़ने की वजह सीएमओ ने बताया कि बच्चों के खाली पेट होने से उल्टी दस्त की शिकायत हुई है, जब ये दवा दी गई थी। ये हादसा बिजनौर के 2 स्कूल यानी हल्दौर के रतनपुर व सियादौर डेरा बुंडी इलाके में हुआ है। आपको बता दें, ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश से कई स्कूलों में घटी है, जहां पर लगातार बच्चों की मौतों की खबर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और शासन और प्रशासन इसको लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। कोई औपचारिक बयान भी उनका सामने नहीं आया है। गाँव में लड़का मर गया, कैसे दवाई खा कर? कौन सी वाली? यही वाली है। और बच्चों की तबीयत खराब भी है क्या गाँव में? बच्चों की तबीयत तो कई सारों खराब है। कितने बच्चों की तबीयत खराब है? तो हमारी लड़की की खराब है और होम प्रजापतों में खराब है, एक हमारा पोते की खराब है। तुम दिखा के लाए डॉक्टर को अभी? 10-12 बच्चे बता दे। 10-12 बच्चे हैं जिसमें एक एक्सपायर हो गया। क्या यहाँ कोई आया अधिकारी चेक करने के लिए? बातों को अभी नहीं आया अधिकारी, तो कोई नहीं आया अभी। ग्राम प्रधान ने पूछा आप तक? हाँ जी, ग्राम प्रधान भी नहीं आया अभी तक। नहीं आया। कौन है प्रधान यहाँ का? बिलंदी। जोर से बोल। बिलंदी। क्या नाम है? चमन सिंह। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसमें 19 बच्चों की कंप्लेंट आई है कि वो गोली खाने के बाद उन्हें उल्टी और सिरदर्द और कुछ निचली आने की शिकायत है थी, जिनको कि हमने तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, वहाँ पर हल्द्वार अस्पताल में, और वो सभी बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं अपने घरों पर। तो ऐसा एल्बेंडाजोल की गोली खाने के बाद अगर कोई खाली पेट गोली खा लेता है तो गैस्ट्राइटिस वगैरह की वजह से इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं, जो कि सामान्य है, और वो सारे बच्चे हमारे ठीक हैं। उसमें सिवहारा में सुनने में आया है कि गोली कल खिलाई गई थी, आज एक बच्चे की डेथ हुई है, उसके पीछे कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हमने टीम भिजवा दी है वहाँ की, MIC को कह दिया जाएँ उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, जैसी प्राप्त होगी जानकारी हम बता देंगे। सीएमओ साहब, 7 बच्चे अभी और भी बीमार हैं सिवहारा में, उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। वो MIC से मेरी बात अभी हुई थी, उन्होंने 7 बच्चों के बारे में कोई सूचना क्यों जैन साहब 7 बच्चों के बारे में कोई सूचना अभी तक मैं और मालूम करता हूँ। अच्छा, ये गोली खिलाने के बाद ऐसी स्थिति बच्चों की क्यों हुई कि उनकी जान पे बनाई, ये क्या? देखिए, गोली खाने से आज तक किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई, ये प्रोग्राम बरसों से चलता आ रहा है, हम बिजनौर में भी बरसों से चलाते आए इस प्रोग्राम को, आज तक किसी एल्बेंडाजोल खाने से कभी डेथ नहीं हुई है। हम कारण पता कर रहे हैं क्या वजह है इसकी। दवाई कौन खिलाता है? दवाइयाँ जो हैं वो जो स्कूल होता है उनके टीचर्स वगैरह खिलाते हैं, आशा के जरिए। आशा है, आंगनवाड़ी है, टीचर्स हैं, तो ये स्कूल की लोकल व्यवस्था होती है गोली खिलाने की, हम गोली उनको दे देते हैं। विशाल जी, आपके बेटे की जो मौत हुई, क्या मामला पूरा? सर, दवाई खाई थी स्कूल में, ये स्कूल में पढ़ना जाता था, मॉन्टेसरी स्कूल है, कल दवाई खाई है, शाम तक सही रहा और 2 बजे से इसकी तबीयत खराब हुई रात में, रात में, और सुबह हमने फिर कोई 5-6 बजे जिसका स्कूल था उसे बुलवाया, तो उसने जिसने दवाई खिलवाई तो उसे बुलवाया, उन्हें एम्बुलेंस बुलाई, सिवारे लेके गए, सिवारे उनकी समझ में ना आई तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में बताया, तो हूँ लेके गए, उसने मना कर दी कि यहाँ मेरे बस की नहीं है, तो फिर बिजनौर लेके गए, बिजनौर जाकर बहुत लगा। बिजनौर से अजय पांडे की रिपोर्ट।